नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर रफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाड़मेर राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल पर गुरुवार को बाड़मेर में चाकू से हमला करने की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि खरताराम बना ने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की है। हालांकि सांसद बेनीवाल के समर्थकों ने खरताराम को मौके पर पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने खरताराम को भीड़ से छुड़वा कर हिरासत में ले लिया है। लगाव लग रहा मुझे बाड़मेर से, और टिड्डी का तो मुआवजा दिलाऊंगा। और जो हमलावर था उसके हाथ में कोई हथियार भी था, मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कोई गले मिलने के लिए आ रहा होगा। ऐसे हमले चलते रहते हैं। जब हमने आनंदपाल जैसे बदमाशों को, जिनके नाम से राजस्थान कांपता था, उसका भी हनुमान बेनीवाल ने तमाम अपराधियों का पीछा किया राजस्थान के अंदर। जो भी होगा चलते रहेंगे, कोई हम थकने वाले नहीं इन बातों। डीएनए टेस्ट की बात कही, हमारी सरकार आएगी तो हमारी कराएंगे, जरूर कराएंगे।